पापा को शहीद कर दिया गया है। दरभंगा के सोबन में बीते कुछ हफ्ते पहले हुई चर्चित कांग्रेस नेता बब्बन हत्याकांड का मामला हर गुजरते दिन के साथ उलझता जा रहा है। परिवार और ग्रामीणों के लगातार बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सरकार और प्रशासन दोनों ही दबाव में है। इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच कब्र में दफन स्वर्गीय बब्बन की लाश को निकाल कर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ भी मौजूद थी। वहीं मृतक की मासूम बेटी ने अपने पिता की मौत को शहादत बताते हुए वहां मौजूद भीड़ को भावुक कर दिया है। बताइए, बहुत लोग आए हुए हैं, क्या हुआ है यहाँ, पता है आपको? पता है, मेरे पापा गए हैं इसलिए सारे लोग यहाँ आए हैं। पापा को क्या हो गया है? पापा को शहीद कर दिया गया है। किसी की तरफ से नहीं, जो आदमी शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं या चाहते हैं वातावरण अच्छा रहे, सबका समर्थन इनके साथ है। पार्टी का तो है ही, जो न्यूट्रल लोग हैं सबका समर्थन इनके परिवार के साथ है। हथियार की बरामदगी, रिवाल्वर का मिलना और सारे हथियार के मिलने के बाद भी गोली की बात पोस्टमार्टम में नहीं आई, और मजबूरन जो है परिवार के लोगों को आवेदन करना पड़ा। क्या अभी जो ये होगा फिर से पोस्टमार्टम, उसकी क्या गारंटी है कि रिपोर्ट फिर सही आए? ठीक है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आप प्रेस के हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद समझते हैं प्रेस, उस समय जो जानकारी हमको भी मिली थी आम लोगों से, अगर दूसरी तरफ से हो सकता है कोई अप्रोच नहीं हुआ हो, तो बहुत चीज में गड़बड़ी होती है कहीं ना कहीं। तो हम समझते हैं अगर उस समय भी अलर्ट रहते, कोई आदमी बोलते हमसे, कम से कम 8-10 व्यक्तियों से मुझे इस मोहल्ला के लोगों से बात हुई, और जो कन्फ्यूजन अभी है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में, वो कहीं न कहीं अपने जो लोग हैं उनमें भी था। बाद में क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट हैंड जो हमको बात हुई तो सब लोग एक ही बात बताए, गोली की बात कहीं न कहीं बाद में लगता है वो लगा है जो नहीं गोली लगा हुआ है। बात हुई है और इस परिस्थिति में डेड बॉडी को निकाल के हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले अफसर को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, तब कर रहे हैं। नहीं सर, गोली जो है वो पीठ नहीं, वो पहले भी करना चाहिए डिमांड। हम समझते हैं जो पोस्टमार्टम के पहले ऐसा डिमांड नहीं हुआ हो सकता है, इसलिए इस पर बहुत बात। ये डॉक्टर का मामला है, पुलिस का मामला है, हम तो राजनीतिक रूप से यही कह सकते हैं कि जो भी व्यक्त हो उनको कड़ी से पोस्टमार्टम हो रहा है बब्बन जी की लाश को निकाल करके। गोली की बात पता चला जब रिमांड में लिए गए तीनों अपराधियों से पता चला, क्या लगता है कि पहली पोस्टमार्टम जो हुई उसमें कहीं कोई दिक्कत हुई क्या? वो उस समय डॉक्टरों की मिस थी, अभी पैनल बैठेगी, इसका आप क्या कहते हैं? रिमांड में लेने से पहले नहीं, पहले ही गोली पता चल गया था हम लोग डे वन से बोल रहे थे। इसमें जो मैं शहीद जाऊर रहमान का फादर रह रहा हूँ मोहम्मद फैज, और फर्स्ट डे से ही मैं मौजूद हूँ। गोली की बात जहाँ तक है तो ये फैमिली के लोगों ने, हम लोगों ने इसको ट्रेस किया है। गुस्ल दिलाते वक्त उनके पीठ पे एक निशान पाया गया था, और उस टाइम से ही हम लोगों को शक हो चुका था कि इनको गोली मारी गई है। उसके बाद उस तस्वीर से हम लोगों ने कई एक्सपर्ट से राय लिया, कई एक्सपर्ट से राय लेने के बाद ये जानकारी मिली कि ये गोली का निशान है, गोली लगी है। उसके बाद ही जो है हमने प्रशासन से ये बात कही कि भाई सिर्फ हार्ट ब्लंट थ्रट से सिर्फ मारा गया, हेड इंजुरी है, इस तरह का नहीं है। टोटल फैक्ट ये है कि उनके पसली की हड्डी बाएं जाने की 5 हड्डी टूटी हुई है, बॉडी में भी मतलब हार्ट ब्लंट यूज किया। क्यों निकाला जाए? इसमें लास्ट टाइम आप लोग को बताया था हमने कि रिमांड पे लेने के बाद जो पूछताछ किया गया तीनों अभियुक्तों से, तो उन्होंने बताया कि उसको गोली भी मारी गई है पीछे से, और उनके बयान के आधार पे
हथियार बरामद हुआ है, एक बुलेट भी बरामद हुआ है, तो उसकी पुष्टि के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम में पहले ऐसा क्लियर नहीं था फायरआर्म इंजरी का, तो उसकी फिर से पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग को आवश्यक था कि ये बॉडी हम लोग निकाल के फिर से पुनः उसका पोस्टमार्टम करवाएं, एक्सरे करवाएं डिटेल में, ताकि अगर उसके शरीर से मिलता है, अगर बुलेट मिलती है तो उसको हम लोग जो जब्त हथियार है उससे हम लोग मैच करा सके बैलिस्टिक जांच से, एक पुख्ता एविडेंस हम लोगों को व्यक्तियों के खिलाफ मिलेगी। जब ये इसकी तो पहले भी पोस्टमार्टम हो चुकी है, तो उस रिपोर्ट में क्या गोली लगने की बात आई थी? नहीं, उसमें नहीं आई थी, इसीलिए हम लोगों को फिर से करवाना पड़ रहा है कि आप अभियुक्तों का कहना है कि उन्होंने गोली मारी है, उसकी जस्ट पुष्टि के लिए हम लोग का आवश्यक था कि वो फिर से हम लोग पोस्टमार्टम करवाएं। सर, दूसरा पक्ष भी की माँ आज आपसे मिलने आई थी और कह रही है कि हमारा जो बच्चा है वो इनोसेंट है। देखिए, केस होता है तो लोग आते ही हैं, दोनों साइड से लोग आते हैं, जो केस किया है वो गिरफ्तारी के लिए आता है और जिनका नाम पड़ जाता है उनके घर वाले अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आते हैं, तो जहां भी एविडेंस जिसके साथ होगा उसके पक्ष में हम लोग निर्णय लेते हैं। सर, कोई राजनीतिक दबाव भी है प्रशासन? नहीं, कोई दबाव नहीं है, हम यहाँ पे पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं है, और दबाव एक ही रहता है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए, यही एक दबाव रहता है और कोई दबाव नहीं।